फिर वे मस्जिद बन गई ख्वाजा मोइनुद्दीन पृथ्वी के दरबार आई फरमा दे पृथ्वी राज तू मेरे दीवे की बंद कराने ने मेरी यारी ओदे नाल लग गई है ना कबर च भी टुर गया मेरे दीवे पल दई रहने الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن فرمایا جڑے رحمان دے بندے نے حالانکہ سارے اللہ دے بندے نے مگر کچھ لوگوں نے جنہوں نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ اپنی ذات واسطے چن لیندا ہے ان چنے ہوئے لوگوں دا اللہ نے ذکر فرمایا فرمایا و عباد الرحمن او جڑے رحمان دے بندے نے الذین یمشون علی الارض ہونا فرمایا وہ زمین تے بڑی عاجزی دے نال چلدے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور اگر کوئی انہاں نو جاہل کلام کرے انہاں نو مخاطب کرے قَالُوا سَلَامًا سلام کہہ دیتے
यानी कि दुनियादार अगर उन्होंने छेड़न उन्हां दा जवाब नहीं देते, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कालू सलामा, उस सलाम करके गुजर जाते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां लोगों के बारे इरशाद फरमाया कि तुहाडे दरवाजियां ते कुछ लोग इस तरह के भी आंदे ने। हुजूर दी हदीस पाक दा मफहूम है, फरमा उन्हां दे कपड़े फटे होंदे, उन्हां दे लिबास तार तार होंदे, उन्हां दे चेहरे ते गर्द गुबार होंदी, वेखण वाले उन्हां कोल नफरत करदे। मगर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अगर वो अल्लाह दी बारगज को कसम उठा लेवन ते अल्लाह उन्हां दी कसम पूरी फरमा देता है। यानी दुनियादारा की निगाह च उन्हां दी कोई कदर ते कीमत नहीं आती, मगर वो रहमान दे बंदे होते, अल्लाह दी बारगाह च उन्हां दा बड़ा मुकाम है। गिरामी कदर हजरात ओ इबादुर रहमान जिहड़े अल्लाह दे बंदे ने जिन्हां नूं रहमान खुद अपना बंदा आखे। अज उन्हां विचों मैं एक खास बंदे का जिक्र करन लगा क्योंकि रजबुल मुरजब शरीफ का माह मुकर्रम तशरीफ लेके आ गए। ये बड़ा मुअज्जज और मुहतरम महीना है, ओ महीना के दौरे जाहिलियत के अंदर भी इस महीने की काफिर कदर करते। ग्रामी कदर हजरात ये हुरमत वाले महीने जो चौथा महीना कि जिस दे अंदर कुफार कदे जंग नहीं सन करदे, आवाज नहीं सी आंदी किसे तलवार दी किसे नेजे दी। रजब शरीफ दा माह माह मुकर्रम मेराज शरीफ दे हवाले नाल भी चुके हुजूर दी निस्बत दे, मगर इस माह मुकर्रम नो मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अनहु दी विलादत पाक नाल भी निस्बत दे कि तेरा रजब नो मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा दी विलादत पाक हुई, और 27 रजब अल मुरज्जब नो नबी पाक दी मेराज शरीफ है। मगर चूंकि इब्तदाई दिन ने तो इन दिनों के अंदर उर्स मुबारक होता है हजूर खाजे खाजगा इमाम चिश्त इमाम चिश्तियां हजूर खाजे खाजगा मरकज आशिका हजरत मकसद आरिफा खजा हिंद अताए रसूल नायब रसूल फिल हिंद हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजरी रहमतुल्लाह ताला आपका उर्स मुबारक भी तकरीबन शुरू होने वाला है इंडिया के अंदर। आज मेरा जी करता है कि असि उन इबादुर रहमान विचों एक उस अब्दुल रहमान का जिक्र करिए जिहड़ा रहमान का एडा खास बंदा है कि जिन्हां नूं अताए रसूल किया जाता है नायब रसूल फिल हिंद किया जाता है आले रसूल नस्ल रसूल खूने बतूल नजीब उत्तरफैन सैयद हजूर अलैहि सलातो सलाम दी आले पाक हजरत खाजे खाजगा हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद की रामी का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन सज्जली रहमतुल्लाह ताला माँ का नाम हजरत माह नूर बीबी और बाद किताबा के अंदर उम्मुल बरा भी लिखा हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तकरीबन 530 हिजरी बाद ने 534 हिजरी लिखिया बाद ने 537 हिजरी लिखिया इन तारीख के अंदर अपनी माँ हजरत माह नूर बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा दे शिक्वे अतहर दे तराए माँ भी वली कामिल सैयदादी अबू जान भी सैयदादी ते वली कामिल ते अपने दौर दे बहुत बड़े आलमी दीन ग्रामी कदर हजरत हजरत माह नूर बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमांदियां जो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमादियां मेरे शिकमे च आए ना ते रात नूं आ फरमादियां अद्धी रात वेले मैनू अपने वजूद च आवाज़ां आउणियां अल्लाह बाद दफा कलमा तक बाद विरुद्ध की आवाज आनी ताएं बैं वेखना आवाज कितों आ रही
एक दिन आपके वालिद गिनामी ने मशवरा किया कि हजूर अद्धी रात वेल मैं अल्लाहूत कलमा तैयबा दियाँ आवाजा ते सदावा आदि आपने इरशाद फरमाया कि बीबी जान तो शिकम च जो बच्चा पल रहा है असल च ये मादर जात वाली है पैदाशी वाली है मां के शिकम च अल्लाह का जिक्र पिया कर दे ग्रामी कदर हजरात हूँ मां खबर होगी कि मेरे शिकम च एक वली पिया पलद मां ने मजीद अपने आप को महफूज रखना गुनाहों से ग्रामी कदर हजरात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने जो मां के शिकम अच हथों दुनिया से तशरीफ लेके आए बच्चे दा बचपन बड़ा हसीन लड़क बन बड़ा हसीन गुजरिया ग्रामी कदर हजरात जो बचपन च नौजवान बच्चों ना खेलते ने बच्चे खेलते ने मगर आप नहीं खेलते बच्चा कहना मोइनुद्दीन तू खेलता क्यों नहीं फरमाना को खेलना आया असी को खेलना आया पूछना क्यों आए फरमाना अल्लाह का जिक्र करने वास्ते असी अल्लाह की याद वास्ते आया ग्रामी कदर हजरात एक दिन बाबा जान नाल ईद की नमाज पढ़ने वास्ते जा रहे रस्ते च देखा एक नबीना बच्चा ही उदे कपड़े फटे हुए अजीब हालत गुरबत का वेला करीब जाके फरमाते ने बच्चे आज तेनू पता कि ईद का दिन है ते तू नवा सूट क्यों नहीं पाया गुसल भी नहीं किया तैयारी भी नहीं की बच्चा बोल के कहन लगा कि गुसल वह करते हैं जिन्हां दी मामा जिंदा होण तैयारियां वह करते हैं जिन्हां दे भाई ते बहना वेखण वाले कपड़े नवे वह पाते हैं जिन्हां दे बाप जिंदा हो ते मेरा होया जो कोई ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बचपन च उस नबीन नु घर लेके आए अपनी अम्मी सारी कहानी सुनाई माँ जी ने गुसल करा के नवे कपड़े पहनाए उस बच्चे नु तैयार करके अपने पुत्र दे नाल ईद दी नमाज पढ़न भेजिया लकब मशहूर हो गया गरीब नवाज ए लकब हौले 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 हिंदुस्तान तक भी पहुंचा लकब मुबारक गरीब नवाज है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सज्जरी गरीब नवाज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाप बहुत बड़े आलमे दीन सन ख्याल आया कि अपने बेटे नूं मैं आलमे दीन बनावा ग्रामी कदर हजरात आपनो आप दे वालिद गिरामी ने सब तो पहले नेशापुर इलम दा बहुत बड़ा गहवारा नेशापुर भेजा कि अपने बेटे नूं तालीम दिलवावा ख्वाजा साहब अपने बचपन उत्थे तालीम हासिल कर रहे अचानक गजनवियां ने जदों हमला किया नेशापुर ते सारा शहर बर्बाद करके रख दी तलाशा दे ढेर लग गए दूर दराज तक बात पहुंच गई कि नेशापुर गजनवी फौज ने तहोबाला कर देता है सारे लोग मर गए शहर बर्बाद हो गए आप दे वालिद गिरामी उन दिनों बगदाद जो सन बगदाद खबर मिली थे अपने पुत्र का ख्याल आया कि मेरा पुत्र भी दुनिया तो टुर गया इसे गम के अंदर वालिद गिरामी बगदाद के अंदर बीमार हो गए थे बीमारी की हालत वालिद गिरामी का दुनिया तो इंतकाल हो गया मगर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह उस वेले हयात सन बाप की कबर बगदाद शरीफ च बनी ख्वाजा साहब ने जो नेशापुर तबाह होता देखा तो हूँ लोगों को पूछते हैं अगर तालीम हासिल करनी हो तो कितने जावा वड्डा मदरसा कितने वे इसे दसिया कि या तो नेशापुर बड़ा मदरसा सी या जामिया नजामिया बगदाद शरीफ के अंदर बड़ा जामिया है अगर इलम हासिल करना है तो बगदाद चले जाओ आप बगदाद शरीफ से शरीफ ले आए गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो दा दौरे पाक से मैं किताबा के अंदर पढ़िया हजरत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा देने कि मेरी तहकीक के मुताबिक गौसे पाक दी ते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी मुलाकात हुई और बाद किताबा च लिखिया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक दे रिश्तेदार सन और रिश्ते च बाद ने लिखिया कि गौसे पाक दे भांजे लगदे सन गौसे पाक रिश्ते च इन्हां दे दूर दराज बरादरी च मामू लगदे सन पांच महीने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे पाक कोल भी गुजारे हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अली बगदाद हुन तालीम भी हासिल कर रहे
किसी ने दसिया के करीब बगदाद एक इलाका है, छोटी जी बस्ती है जिदा नाम है हारबन। बार लोग इनो हारूना बाद पढ़ देने, मगर हारून नहीं। उलमा ने फरमा के असल लफज हारबन। खबर मिली कि उसे अल्लाह दे वली ने हजरत खाजा उस्मान रदी अल्लाह ताला अनु हारबनी एक लम्हे च वली बना देते ने। ख्याल आया कि दुनिया की तालीम हासिल करना, हुण को रूह का इंतजाम भी करिए। दलाल दे वक्त दरकार है, चुके वक्त की किल्लत है। ग्रामी कदरत रात जड़े पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जमेरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा उस्मान हारबानी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। ख्वाजा उस्मान हारबानी दी पहली निगाह जड़े पहले मथे ते पई देखिया दी पेशानी विच ते किधरे वलाया दा नूर पिया चमकदा है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारबानी ने अखियां बंद कीतियां। नौजवानों इधर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी दे नाल अपने गांव दे अंदर एक वाकया पेश आया। जद वाल साहब दा इंतकाल होया अम्मी दी ज़ियारत करन गए। अम्मी ने जड़े वेले जायदाद आपदे भाइयां च तकसीम कीती ते ख्वाजा साहब नूं एक आटे वाली चक्की मिली, एक थोड़ी जी जमीन दा टुकड़ा मिलिया। आप एक दिन अपने खेतां दे अंदर हल चलाण गए, एक बाग दे अंदर बैठे ने। अचानक बक्का दे बहुत बड़े वली गुजरे, हजरत कद्दोजी रहमतुल्लाह अलैह बक्का दे मजजूब वली ने आके जड़े वेले बाग दे अंदर बैठ गए। ख्वाजा साहब ने अपने बचपन के अंदर हजरत कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह नूं अंगूर पेश किए, ठंडा पानी पेश किया। अल्लाह दे वली मजजूब ने एक अंगूर पकड़ के खादा, अपनी जेब दे विच एक सुखी रोटी का टुकर निकालिया, अद्धा आप खादा अद्धा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरे नूं दित्ता। आप फरमाते ने जिहड़े वेले मैं रोटी का टुकड़ा खा लिया मैनू नहीं पता मैं जमीन से बसना क्या समान से पिया बसना। अल्लाह दे वली ने सारे पर्दे उठा दिते, रोटी के टुकड़े ने कमाल कर दिते। नौजवान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी बड़ी देर तक अपने आप दे अंदर ना रहे, हालत शुक्र आ गई। नौजवान जड़े वेले ख्वाजा उस्मान हारबनी दे नाल मुलाकात हुई, अल्लाह दे वली नूं ख्याल आया ओ शेख कंदोजी ने केड़ी रोटी का टुकड़ा दिता सी उहदा असर अजे भी मौजूद है। आपनूं पता सी इहदी वलाया दी अमानत मेरे कोल है, अल्लाह ने इहनूं अमानत देण भेजिया। अल्लाह ने भेजिया कि मैं इहदी अमानत इहदे सपुरद कर देवां। आगे हजरत ख्वाजा उस्मान हारबनी रदी अल्लाह ताला अनहु दी बारगाह अकदस के अंदर हुण एक ते ओ रोटी दा टुकड़ा जिहड़ा हजरत इब्राहिम कंदोजी ने दिता सी ते उधरों आ गए उस वली दी बारगाह जिहड़ा हजरत उस्मान कंदोजी रहमतुल हजरत उस्मान हारबनी रदी अल्लाह ताला अनहु ओ उस वली दे मुरीदन यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे दादा मुर्शिद हजरत मुहम्मद शरीफ जिंदानी जिंदनी रहमतुल्लाह ताला ले बहुत बड़े वली सन। आप दी बड़िया करामात किताबा दे अंदर मौजूद है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारबनी रदी अल्लाह ताला अनहु ने आपने इरशाद फरमाया बेटा बैत करके ना, आपने इरशाद फरमाया बेटा ओ हुजरे उठे चल ते अल्लाह अल्लाह कर, इतनी मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़, इतनी मरतबा सूरह फातिहा पढ़। आप गए थे सूरह फातिहा तो उतनी मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ के फिर आ गए। अर्ज की थी हुजूर हुक्म होवे, फरमाया एक पूरी रात एक पूरा दिन मुराकबा कर उसे हुजरे च बैठ के, ना कुछ खाना ना पीना। ख्वाजा उस्मान हारबनी रदी अल्लाह ताला अनहु भी सारा दिन रोजा रखते सन, पानी नाल इफ्तार कर लेना, दो चार लुकमे लैने जिद नाल इंसान की कमर सीधी रह सके, जिंदगी चलती रहे, बहुत थोड़ा खाना खाते। आपने जड़े वेले सारी रात मुराकबा किया, सारा दिन मुराकबा करके आए ना, मुर्शद के सामने खड़े, मुर्शद ने फरमाया बैठ जाओ।
आप जब अत्तहियात दी शक्ल च बड़े अदब ना मुर्शिद दे सामने बैठे ना ते हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया पुत्र मोइनुद्दीन जरा निगाह उठा ते वेख की नजर आंदा ए आपने इस तरह करके निगाह उठाई ते निगाह नीवी करके कहंदे ने खुदा दा अर्श पे नजर आंदा सुभान अल्लाह घर जाके बोलो निगाह उठाई ते अर्श ते जा रहे मुर्शिद फरमाव लगे जरा जमीन वाल वेख जमीन वाल वेख्या ते मुर्शिद फरमांद ने की नजर आया हजूर जमीन दी तहत सरा नजर आ रही है आपने फरमाया जे काम पूरा नहीं होया फिर जाओ से हुजरे दे अंदर ते इतकाफ बैठ जाओ इतनी हजार मरतबा सूरे फातिहा पढ़ते फुलां 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 वजीफा कर दिल दे पर्दे खोल ले चलिए मियां साहब दे दरबार ते मुर्शिद वाला सुभान अल्लाह बोले बे मुर्शिद बेशक चुप रहे आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कलब मेरे ते कलब मेरे ते ए चंद्रा बजे कुंजी साया हाथ तेरे नाम खुदा खोली जदरा दिलो लगे दिल मेरे नाम खुदा दे खोली जदरा दिलो लगे दिल मेरे नौजवानों जड़े वेले वजीफा करके आए मुर्शदीजाद ने सामने बिठा लिया अपनी उंगलियां दो इस तरह करके फरमाया मोइनुद्दीन जरा मेरी उंगलियां दे दरमियान वेख नाले दस की नजर पे आया आपने जड़े वेले मुर्शद दी उंगलियां दे दरमियान वेखे ते तड़प के रह गए अर्ज करदे ने लाजपाला मैनू 18,000 दो आलम पे नजर आउंदे और खसूसन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी तालीमात दे अंदर आप फरमाते ने नेकी नालों नेकां दी सोबच बहना बेहतर ते बुराई नालों बुरियां दी सोबच रहना ज्यादा बुराई है नेकी नालों नेकां दी सोबत और साडे सिलसिला दी नक्शबंदियां मुजद्दिया चौराहिया दे अंदर भी तालीमात बुजुर्गां दी ए ने के इंसान नूं विरद ते वजीफे उस मुकाम ते नहीं पहुंचांदे जिहड़ी मुर्शिद दी बारगाह दी सोबत ते मुर्शिद दी बारगाह च बैठना मुर्शिद फरमावन लगे चल हज कर हज ते टुर बे सिर ते मुर्शिद दा सामान रखे नौजवान जिहड़े वेले हज बैतुल्ला कीता ना मुर्शिद नाल होवन मैं पहली बार जब उमरा करन गया ना अलहमदुल्ला ते साई लजपाल लांदे नाल गया ते मेरी वालदा भी नाल सन उमरा करके जब मैं बाबा जी की जियारत लिए हाजिर होया तो मैंने फरमाते ने पुत्रा तेरे ते अज डबल हाजिर है मुर्शद भी नाल ने ते मां भी नाल है लज्जत काबे दा तवाफ करन दी मुर्शद नाल हो बल्कि बंदा मुर्शद नाल होवे खड़ा करके
करके कह लगे काबे वाले अपनी सारी जिंदगी की कमाई लेके आया अर्ज की अल्लाह मैं अपनी इबादतें पेश नहीं कर दा मैं तेरी बारगाह जमोइनो दीन पेश करना अर्ज की अल्लाह मेरी जिंदगी की कमाई कबूल कर ले काबे च आवाज आई कबूल लो जी मुर्शद ने काबे च भी मंजूरी दिलवाई हज करके ते कहन लगे चल मोइनुद्दीन हुन मदीना तैयबा चल गए मदीना तैयबा आए ना खाजा उस्मान हारवनी रजी अल्लाह तआला अनहु नाल लेके नबी पाक दे रोजे ते गए आ फरमान लगे पुत्र मोइनुद्दीन नबी पाक नु सलाम अर्ज कर हजरत खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जे मेरी रहमत लाल आई नबी पाक दे रोजे दे सामने खलो गई ते अर्ज की थी अस्सलामु अलैका या सैयद अल मुरसलीन नबी पाक दी बारगाह सलाम अर्ज की थी हजूर दे रोजे च आवाज आई वालेकुम सलाम या खुतब अल मशायख ऐ मशायख दे खुतब तेनु भी सलाम होवे मुर्शद ने पढ़ के सीने ला ले फरमाते ने मोइनुद्दीन तेरा काम बन गया सुभान अल्लाह मुर्शद की खिदमत भी होगी काबे मंजूरी भी होगी नबी पाक की बारगाह की भी मंजूरी होगी बगदाद आए पांच महीने गौसे पाक को गुजारे नबी पाक खाबे च मिले हजूर ने फरमाया चल हिंदुस्तान उत्थे तेरी लोड़ अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं हिंदुस्तान वेखे ही नहीं उत्थे किथे जावांगा मेरा वाकिफ भी कोई नहीं नबी करीम अलैहि सलाम ने ख्वाब च पूरे हिंदुस्तान की सैर करा दी सैर करवा के फरमा तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान का शहनशाह ख्वाजा हिंदुल वली और हकीकत अंदर हिंदुस्तान का असल शहनशाह पूरे बड़े सगीर का हिंदुस्तान का हजरत ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज ने जो पाकिस्तान से इंडिया की तकसीम हुई ना 1947 ईस्वी के अंदर अंग्रेज आया ना वाइस राय उन्हें सारे हिंदुस्तान का दौरा किया अचानक जो अजमेर शरीफ च गुजरिया तो उन्हें वेख्या कि लोग चादर लैके जा रहे कोई लंगर दियां देगा लैके जा रहे इतना रश किसी पैर च जुत्ती भी नहीं पाई बड़े अदब ना लोग उन्हें हैरान होके पूछा इत्थे केड़े बादशाह दा महल है इन्नी दुनिया मंगते बन के जा रही है उन्हें आखे इत्थे बादशाह नहीं आ तेनू जो वखा ले आईए वह बड़े अदब ना लोगों की वेखो वेखी टुरिया 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 आगे गया ते वेखा मैं तख्त किदा बादशाह कौन है कौन इत्थे बैठा जिदे वल दुनिया इस तरह जा रही उन्हें जाके वेख्या कि यह ते कबर है उन्हें पूछे कौन है उन्हें आख्या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो मेरी रमेजार है वो अंग्रेज वायसराय जदों पाकिस्तान ते इंडिया की तकसीम करके वापस गया उन्हें अपना सफरनामा लिखा उस सफरनामे के अंदर उन्हें जदों अपनी तहरीर लिखता लिखता उस मुकाम ते आया ना जदों वो अजमेर गया सी उत्थे आके उन्हें एक जुमला लिखा कहिंदा आई सा अ टॉम रीनिंग ओवर पीपल ऑफ इंडिया कहिंदा मैं इंडिया च वेख के आया एक कबर लोगों ते हुकूमत पे कर दी है हिंदुस्तान का असल शहनशाह ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज है ग्रामी कदर हजरात नबी पाक ने फरमा तेरी हिंदुस्तान ड्यूटी उथे पहुंच उथे तबलीग कर सारा कुफरस्तान ते हिंदुस्तान से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह टूटे 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 जो ईरान तो बगदाद तो मदीना ते गबा तो होंदे होंदे आए ना लाहौर ते ख्याल आया दाता पिया दी बारगाह च हाजरी देवां
वादाता तेरी अजमत तो सदके। कोई वली दाता साहब तो बाद ऐसा नहीं आया बड़े सगीर के अंदर जिन्हें दाता के कदम च हाजरी ना देती होवे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दाता पिया के कदमा ने मुबारक वाल वह जरा अज भी हुजरा ए इतकाफ है उत्थे 21 ये 40 दिन इतकाफ किया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे ख्वाब च फिर दाता पी आए थे, आपने फरमाया जा हिंदुस्तान दे वली, असां तैनू हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। हजरत ख्वाजा हिंदुल वली दाता साहब दा फैज लेके टुरे नाले पढ़दे जा रहे, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। दत्ता पिया ड्यूटी लगाई जाओ हिंदुस्तान जाके तबलीग करो, तो हिंदुस्तान का कुतुब बनाया। बाबा जी जाके ते जाके हिंदुस्तान च अजमेर के टिब्बिया के डेरे लगा ले। पृथ्वी राज चौहान का वक्त हुक्मरानी बड़ी अकड़ वाला एक बादशाह सी, अकड़ मिजाज। नौजवानों ख्वाजा साहब ने जिथे जाके डेरा लगाया, अना सागर दरिया का किनारा है, उस जगह बादशाह पृथ्वी राज दे घोड़े ते ऊंट बैठ दे नहीं, उदे ऊंट चरण वास्ते गए ने, घोड़े चरण वास्ते गए। जिहड़े वेले शाम दा वेला होया, उदे फौज वाले जदों ऊंट चार के वापस आए, उन्हां वेख्या इत्थे इक दरवेश अल्लाह दा वली बैठा है। कहन लगे बाबा जी उठो, इत्थे साढ़े घोड़े बैठने ने। आपने फरमा घोड़े भी बिठा लो, मैं भी बैठा वा। उन्हें आख्या बाबा ना ना, ये शाही अस्तबल है, इत्थे तेरा बैठना नहीं बनता, उठ बाबा, इत्थे साढ़े घोड़े बैठने ने। ख्वाजा साहब ने अपनी थैली उठाई ते कंधे ते लटका ली, ते उठो उठ के दूर जाके बैठ गए। फरमांदे ने जाओ जी असी उठ जाने आ, तुसी घोड़े बिठा लो, बैठे ही रहनगे। असी उठ जाने आ ते घोड़े बैठा लो, बैठे ही रहनगे। ओना बिठाए ते बैठ गए। सवेरे उठांदे ने उठदे ही नहीं, भाई बैठ ही गए। सारी फौज च रौले पै गए, घोड़े उठदे ही नहीं। पृथ्वी राज चौहान नूं खबर मिली, उन्हें आख्या वो बाबे दा तरला करो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह चाहे सारे फौजी, उन्हें आख्या बाबा जी माफी दियो, ये घोड़े नहीं उठते, ये तुसा ही उठाने। ख्वाजा साहब ने फरमाया चलो भाई उठ पैणगे। वो उठ पे, क्योंकि सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानो मौला पाक मनेंदा, ओहो पक्की खबर है सानू, उना दे लबां च जो निकल जाए। हुण गिरामी कदर हजरात बाबा जी आके बैठे ना, जदों पहली करामत घोड़िया वाली उन्हें फौजियां वेख ले, फौजियां वेख्या के बाबा हर वेले अल्लाह 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 करदा है। ग्रामी कदर हजरात हुण ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अना सागर दरिया पानी लैंदे ने, इत्थे आके ते अना सागर दरिया हिंदू गुसल भी करदे ने, जानवरां नूं पानी भी पिलांदे ने, कपड़े भी धोंदे ने। उन्हां दे नज़दीक अना सागर दरिया जिहड़ा हौस तालाब सी ना, इह बड़ा मुतहर ते पाक पानी सी। अकीदा हिंदू इह रखदे सन जिहड़ा इत्थे गुसल कर लवे उहदे गुनाह धुल जांदे ने, उह पाक हो जांदा। बाबे भी डेरा उत्थे लाया कि जिथे हिंदू आउंदे जांदे रहन। हुण जिन्हें गुसल करना वाना पानी लैण आना, उन्हें वेखना बाबा बैठा है, खड़ी बैठ जाइए, सोहना बड़ा है। नजीब तरफैन सैयद सी, उन्हें हिंदुओं ने करीब आके बैठना शुरू करना। पृथ्वी नूं सारियां खबरां भेजियां जा रही कि बाबा आया है, लोगों को कुरु विच बिठा रहे। उन्हें आख्या कि मैं इधर चेक करा बाबा है कि
उन्हें आख्या कि एदा पानी बंद कर दियो, पानी नहीं पीवेगा ते किधरे होर चला जाएगा, प्यास लगेगी ते बाबा दौड़ेगा। उन्हें आख्या बाबा जी ये साडा हिंदुआं दा बड़ा पाक तालाब है, तुसी इत्थों पानी नहीं पी सकदे। आपने फरमाया चलो जी नहीं पींदे, बस एक कलोटा लै लैंदे हो। उन्हें मशवरा आपस कीता, उन्हें आख्या चलो एक लै लो, इको लोटे च दरिया भर ले बाबे, सारा दरिया खुश। नौजवान जड़ वेले सवेरे हिंदू गुसल करन वास्ते आना सागर आए, हिंदुआ ने वेखिया आना सागर खुश्क हो गया, सारे जमेर च रौले पै गए, हिंदुआ दे दिल धड़कदे ने, सारा जमेर इकट्ठा हो गया। ए आना सागर किवें खुश्क हो सकदा है, हजारां साल गुजर गए कदे खुश्क नहीं आया, हौले हौले लोगों के कन्न च गल्लां आउण लग पईआं। एक बाबा आया सी लोटे च भर के लै गए, बाबा आया लोटे च भर के, पृथ्वी नूं खबर मिली, उन्हें आख्या दौड़ो, ओ बाबे नूं आखो साडा दरिया वापस कर। हिंदू सारे बाबे को लागे, उन्हें आख्या बाबा जी दरिया खुश्क हो गया है। आप हस के ना ते दरिया के किनारे लोटा लैके गए, परमात्मा ने असां लोटा ही लिया सी ते लोटा ही वापस कर देने, उंडे लिया तो फिर दरिया। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे, ओ फिर दरिया बन गया। हुण बाबे दी शोहरत हो गई सारे अजमेर च, कोई अजीब ही बाबा आया। पृथ्वी राज किसी जंग ते गया सी, वापस आया तो उन्हें सारियां खबरां दित्तियां गईयां कि बाबा अजमेर जो आया ते ओ हर हिंदू दी बारगाह च बैठा है, हुण लोग कलमा पढ़ रहे, कुर बेचारे मुसलमान हो रहे। पृथ्वी नूं फिक्र लग गई कि ये बाबा इंज कलमा पढ़ांदा रहा तो लोग मुसलमान हो जावणगे। उन्हें एक हिंदू की टीटी लगाई, उन्हें आख्या तू इंज कर, उहदा नाम सी रामदेव। रामदेव नूं कहण लगा कि तू बस भेस बदल के बाबे दे करीब बैठना, इहदे ऐब तलाश कर, असीं फिर लोगों ने इहदे ऐब सुनावांगे ते लोग दौड़ जावणगे। और रामदेव जदों आ के बैठा ना, खाजा साहब उस वेले गल्लां पता की करदे ने, हजूर आप इरशाद फरमा जे, खाजा चिश्ता फरमा रहे बई जे कोई बुरा भी करे तो उहदे नाल चंगा ही करिया जे, नाल आप मारे भाई भुखिया नूं खाना खिलाया जे ते प्यासा नूं पानी भी पिलाया करो, मिठा मिठा बोलिया करो, इबादत अल्लाह दी करिया करो, कोई अल्लाह अल्लाह करने वास्ते वेला भी कढ़िया करो। ओ हुण बैठ के पिया सुणे रामदेव, उन्हें आखिया इत्थे ऐब की लभो, ओ भी ना भेज चुके मुसलमाना वाला बेटा आके करीब बैठ के कहिंदा मैनूं भी कोई गल सुणाओ बाबा जी। खाजा साहब उन्होंने करीब करके फरमाते ने, मैनू पता है तेनों पृथ्वी ने भेजा है, तू आया मेरे ऐब लभण, ते कोई लभ उहदे दिल की दुनिया बदल गई, कदमां ते हाथ रख के कहिंदा लभना की तुसी कोई होवे ते लभे। उन्हें आखिया जी कलमा पढ़ाओ, उन्हें भी कलमा, उहदा नाम आपने रखा मुहम्मद अब्दुल्ला, उहदा नाम मुहम्मद अब्दुल्ला रख दिता। पृथ्वी नूं खबर मिली, वह भी गया है, जसूस होंदे ने, उन्हां भी कलमा पढ़िया, वह भी मुसलमान हो गए। आपने फरमाया जाओ हज करके, वह हज ते गए, मक्के ही फौत हो गए। मैं किताबां च पढ़िया 40 साल वह जिहड़े मारन आए सन वह काबे दे मतवली ते मजावर रहे, वली बना दिते सारे। हुण पृथ्वी नूं होर फिकर लग गई कि बाबा जे इंज ही मुसलमान करता रहा ते की बन सी। पृथ्वी ने जाके किसे दसिया कि वह जिहड़ा रामदेव सी उहदा नाम ते मुहम्मद अब्दुल्ला रख दिता है। पृथ्वी ने आख्या बाबे नूं इत्थों अना सागर दे करीब तो किसे तरीके उठाओ।
बड़े हईले ते हरबे कीते। वक्त थोड़ा, मैं वक्त दी किल्लत दे पेश नजर जल्दी जल्दी सुना रहा। मुहम्मद अब्दुल्ला ने अर्ज की कि हजूर मेरी नाली हवेली है, इजाजत होवे ते उथे डेरे ला लीए। आप उठे ते अब्दुल्ला दी हवेली टुर गए। मुरीदा ने अर्ज की हजूर को मस्जिद भी बनाई है ना, कोई अल्लाह की इबादत भी करनी है, जिधर जाने मकतब ही नजर आते हैं, मस्जिद कोई नहीं। फरमाया मस्जिद बनानी किने सी, असी पहले मुसलमान आया ते मस्जिद असा ही बनानी है ना। आपने फरमाया डेरे ते छोटी जी मस्जिद बना लो ते इबादत करिए। कदे वेख्या जे गौर कीता जे कदे असी किसे वली दे मिजार ते चले जाइए ते वली दे मिजार दे नाल मस्जिद जरूर होंदी है। दाता साहब चले जाओ ते मस्जिद बिल्कुल मिजार दे नाल मस्जिद। बाबा फरीद कोल चले जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद। तुसी हजरत सुल्तान बाहू दी बारगाह टुट जाओ ते मिजार दे नाल मस्जिद। हजरत मियां मुहम्मद बख्श दी बारगाह टुट जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद। चूरा शरीफ चले जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद। अलीपुर सैयदा शरीफ टुट जाओ ते दरबार दे नाल मस्जिद। हजरत शहबाज लाल कलंदर दी बारगाह च जाओ ते उत्थे भी दरबार नाल मस्जिद। हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को टुट जाओ ते दरबार नाल मस्जिद। सामने वेख लो बाबा मुल्क शाह वाली दरबार दे नाल ही मस्जिद। हर दरबार दे नाल मस्जिद जरूर है। क्यों? पहली वजह के वली नमाजी सी। हुण नहीं तुसां बोलो क्योंकि बंदे नूं कीतियां दा पता होंदा है। पहली गल ते ए दरबार वाला बाबा नमाजी सी। ते दूसरी गल ए पता लगी कि वली अपने आप नूं सजदा करावन नहीं आंदे। दरबारां दे नाल मसीतां पईआं दस दियां ने कि वली शिरक दा लक तोड़ के रब दी बारगाह च झुकावन आंदे ने। आपने फरमाया थे डेरे ते मस्जिद बना लो। मुरीद मस्जिद बना रहे, पृथ्वी नु खबर मिली के मस्जिद बना रहे ने, उन्हें फिर पाबंदी लगा दी थी। नोटिस आ गए, बाबा जी मस्जिद नहीं बनानी, ये हिंदुस्तान है, ये कुफरस्तान है, इत्थे मंदिर बन सकदा मस्जिद नहीं बन सकदी। मुरीदी ने अर्ज की थी, बाबा जी हुण की करिए? फरमाया रात नु दीवे बाल के मसीता बनाओ। सुभान अल्लाह, दीन मेरे तुहाडे तक एवें नहीं पहुंचया, लोकां दीवे बाल के मसीता बनाया। वलियां दा कमाल है ना। नौजवान जड़ वेले दीवे बल के मस्जिद बन रही हूं, पृथ्वी नु खबर मिली और रात नु दीवे बाल के मस्जिद बना रहे, उन्हें सारे अजमेर च ऐलान ते मुनादी करा दीती। ए बाबे दे मुरीदा नु तेल कोई ना देवे, ना तेल होवेगा ना दीवा बलेगा ना मस्जिद बनेगी। जेड़े वेले मुरीद शामिल रोंदे आ गए, अर्ज कीती बाबा जी उन्हें ते तेल ते भी पाबंदी लगा दीती है। फरमाया अंधेरा हो लैन दे दीवे बाल लवांगे। अंधेरा होया ते मुरीदा ने अर्ज की बाबा जी तेल दो। फरमाया तेल ते कोई नहीं, उन्हें अर्ज की बाबा जी दीवे किवें बालने नहीं। फरमाया पानी दा लोटा लेके आओ। मुरीद लोटा लेके आई, वजू करके फरमाया आ मेरे वजू दा पानी दीवियां च पा दियो। सारी रात दीवे पानी नाल बलदे रहंदे ने, उधर बादशाह दे महल दे दीवे बुझे रहंदे ने। ओ तेल नाल भी नहीं बलदे, ए पानी नाल बली जांदे ने। जेड़े वेले मस्जिद बन गई, ख्वाजा मुइनुद्दीन पृथ्वी दे दरबार आई। फरमांदे ने पृथ्वी राज तू मेरे दीवे की बंद कराने ने, मेरी यारी ओदे नाल लग गई है, ना कबर च भी टुर गया मेरे दीवे बल दई रहने। बोलो सुभान अल्लाह, साडे दीवे बल दई रहने ने, ओ बली जा रहे ने। मैं इन इंज पढ़िया करना, ताजदारां वजीरां दे ताजदारां दे ना वजीरां दे दीवे बल दे सदा फकीरां दे ताजदारां दे ना वजीरां दे।
आख्या पृथ्वी जी इंज काम नहीं चलना, कुछ करो, लोग धड़ा धड़ मुसलमान हो रहे हैं। उन्हें आख्या फिर आखिरी हरबा है के ओ जयपाल जोगी जादूगर बड़ा मशहूर है हिंदुआ का, उन्होंने बुलाओ। लो जी जयपाल जोगी नू बुला लिया बादशाह ने, उन्हें आख्या बाबे का मुकाबला कर। को जयपाल ने आख्या तो मेरे दाए हाथ का कमाल है, दाए हाथ का कमाल है, मैं तो बस बाबे नू इंज हरा देना, वेखो तुसीं। उन्हें आख्या खुले मैदान च मेरा तो बाबे का मुकाबला कराओ। सारे हिंदू कट्ठे हो गए, जोगी वास्ते तख्त बिछाया गया, जयपाल उपर बिठाया गया। खाजा साहब ने पैगाम भेजा, बाबा जी तुहाडा मुकाबला अज ते आओ ना, ओ ते तैयारी करके बैठे सन। बाबा जी ने वुज़ू फरमाते फरमाया चलो भाई मुरीदो चलिए। बाबा जी जाके जयपाल दे सामने बैठ गए, आपने फरमाया हां भाई को कमाल है ते सानू भी विखाओ। उन्हें आख्या बाबा तेनू ही ते विखाण आया। पृथ्वी राज अज तख्त ते बैठ के हुन मंजर वेखे ते उन्हें आख्या लो अज भाई मजा आ जाएगा, अज हिंदुआं दा इतना बड़ा हिंदुस्तान दा सब तो बड़ा जोगी ते जादूगर है। उन्हें मंत्र पढ़िया, उहदे मंत्र दी वजह तो सप लोगों नूं सप नजर आ रहे, निगाह बंदश कर देते ना जादूगर, लोगों नूं सप नजर आ रहे, जिवें हजरत मूसा दे दौर च जादूगर फिर आउंदे जादूगर सप बना दिते रस्सियां दे। ਉਹ ਸੱਪ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵੱਲ ਟੁਰੇ, ਮੁਰੀਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਛੋਲੇ ਫਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਉਤਰੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੁੱਝ ਗਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਗਾ ਗਿਆ। ਐਸਰਾ ਫਿਜ਼ਾ ਚ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਲੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਵਾ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਰੇਤ। ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਤਰਾਂ ਚ ਰੇਤ। ਮੁੱਠੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰ, ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਪੜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਏ ਗਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੇ ਅਜਮੇਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਰਹੇ। ਅਚਾਨਕ ਕਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਤਰ ਆਪ ਜਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੰਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤਾਲਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਵੇ।
गिरामी कदर हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर ऐसे 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 ऐसिया करामता दिखाईया। मैं ये मजीद बहस करा तो मैं चूंकि वक्त कारे वक्त ज्यादा हो गया, फिर कदे जिंदगी मिली तो ख्वाजा साहब की जिंदगी ते मुफस्सल गुफ्तगू अर्ज करांगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी नूं कबूल फरमाए।